हाँ जी बेटा, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब आपको सेट दे रखा है, ए सेट है, उसमें कौन से मेंबर हैं? एक्स वाई के मेंबर्स हैं। एक्स क्या है? इंटीजर है, और उसकी वेरिएशन दे रखी है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एंड लेस देन 7। अब आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब कि आपको पैटर्न में सेट के मेंबर्स दे रखे हैं, लेकिन आपने उनको इंडिविजुअली करके लिखना है। तो वो कैसे लिखोगे? अब आपको पता है इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पे देखा उसने कि इंटीजर तो है एक्स, लेकिन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। एक्स इक्वल्स टू -3 इट मीन पहला मेंबर -3 तो आ गया। अब ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है -3, तो -2 भी आ गया, -1 भी आ गया, 0 भी आ रहा है क्योंकि इंटीजर्स है, और 0 से बड़ा भी आएंगे, कहाँ तक आएंगे? 7 तक। 7 तक 3, 4, 5, 6। अब 7 लिखेंगे यहाँ पे क्या? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि उसने लिखा है एक्स इज लेस देन 7। अगर यहाँ पे 7 में इक्वल होता तो 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे लेस देन है तो ये यहीं पे खत्म हो गया। तो ये क्या आपका आ गया? ये सेट, इसमें आपको कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको आपने एक ही बार लिखना है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको दे रखा है बी, सेट बी है, उसमें एक्स वाई मेंबर्स हैं। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। एक्स इज द नेचुरल नंबर, लेस देन 6। लेस देन 6। अब आपको लेस देन 6 है, नेचुरल नंबर भी है और लेस देन 6 भी है। अब आपको सबसे पहले नेचुरल नंबर्स पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। शुरू कर दो, 1 आ गया, 2 आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। लेकिन यहाँ पर उसने साथ में एक रिस्ट्रिक्शन भी रखी है साथ में, क्या? जो नेचुरल नंबर है लेस देन 6, जो 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर हैं वही सेट में आएंगे। तो 6 से छोटे वाले यही हैं, तो यहाँ पर ये सेट कंप्लीट हो गया।